मिलने वाले मेरे अतिथि गृह में आते हैं। आते समय कभी वे जोश या गुस्से में होते हैं, कभी खुश और कभी परेशान। वे कभी हंसते हुए आते हैं और कभी चिल्लाते हुए, कभी गाते हुए और कभी रोते हुए। वे जिस भी भाव में आए, मैं उनका स्वागत मुस्कुराते हुए ही करता हूँ। मैं उनका स्वागत शिष्टाचार, प्रसन्नता और समानता के भाव से करता हूँ। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जब तक चाहें वे रह सकते हैं और जब भी उनकी इच्छा हो वे जा भी सकते हैं। कई बार मेरे मुलाकाती थोड़ी सी देर तक बैठते हैं। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुनता हूँ। वे जो भी वार्तालाप करना चाहें मैं आराम से सुनता हूँ और जब तब तक सुनता रहता हूँ कि जब उनकी बात समाप्त नहीं हो जाती। मेरा अतिथि गृह छोड़ने के बाद ये राही कहाँ जाते हैं यह मुझे नहीं मालूम, ना ही मुझे पता होता है कि वे कहाँ से आए थे। मैं तो यही जानता हूँ कि मेरे अतिथि गृह में पधारने पर उन्हें प्रेम और स्वीकृति मिलती है। जब मेरा अतिथि गृह खाली होता है तब मैं अपने जीवन के हर्ष का आनंद लेता हूँ। जब मुलाकाती नहीं होते मैं उस रिक्त घड़ी की शांति और इस पवित्र स्थान में रहने का पूरा मजा लेता हूँ। मैं आनंदमय रहता हूँ और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता हूँ कि किसी भेंट करने वाले की जीवन यात्रा मेरे मन रूपी अतिथि गृह की ओर लाएगी।